Hi students, welcome back. Let's talk about ecofeminism today. आज हम लोग पारिस्थितिकी नारीवाद या पर्यावरणीय नारीवाद के बारे में समझेंगे. क्या है यह ecofeminism? Ecofeminism एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है जो क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनइक्वालिटी यानी लिंग की असमानता, सामाजिक अन्याय इत्यादि की बात करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल फेमिनिज्म. इसे इकोलॉजिकल फेमिनिज्म भी कहा जाता है और यह एक ब्रांच है फेमिनिज्म का जो एग्जामिन करता है कनेक्शंस बिटवीन वुमेन एंड नेचर, यानी प्रकृति और नारी के बीच में क्या संबंध है इसको दिखाता है. इसका जो नाम है वो सबसे पहले क्वाइन किया गया था फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रेंकोइस डी यूबॉन्ड के द्वारा 1974 में. और बेसिकली और स्पेसिफिकली इको फेमिनिज्म जो है वो विचारधारा अपने साथ रखती है, एनवायरमेंटल इश्यूज को दिखाती है, जिसमें ये ट्रेस किया गया है कि मैस्कुलिन एग्रेशन और डोमिनेशन के कारण दोनों नारी और प्रकृति प्रभावित होते हैं, राइट? इको फेमिनिज्म जो है वो ध्यान देता है उस फैक्ट पे भी कि औरतें जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली एनवायरमेंटल इश्यूज से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं. और द वुमन वर्ल्ड वाइड टिपिकली होल्ड लेस मॉनेटरी वेल्थ एंड रिलाय ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट मोर. जो स्त्रियां हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वो मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करती हैं और दे आर मोर लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड बाय क्लाइमेट चेंज. और जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, जैसे उन्हें लंबी यात्रा करके पानी जैसे साधनों को जुटाना पड़ता है जैसे ही गर्मी का मौसम या ड्राई सीजन एक्सटेंड करता है, राइट? तो किस प्रकार औरतें प्रभावित होती हैं एनवायरमेंटल इश्यूज से, इसकी बात भी इको फेमिनिज्म करता है. इसके सेवरल सब ब्रांचेस देखे जा सकते हैं इस मूवमेंट के, जैसे वेजिटेरियन इको फेमिनिज्म, स्पिरिचुअल इको फेमिनिज्म और मेटरलिस्ट इको फेमिनिज्म. बट एट द रूट दे ऑल असर्ट द मैस्कुलिन डोमिनेंस. हर जगह पुरुष के अधिपत्य को दिखाया जाता है, उनके अधिकार को दिखाया जाता है, किस प्रकार उनका हक ज्यादा होता है. हैज लेड टू अ डिस्कनेक्ट बिटवीन नेचर एंड कल्चर. किस प्रकार मैस्कुलिन डोमिनेंस है वो प्रकृति और संस्कृति को अलग कर देता है यह दिखाता है. Which has adversely affected marginalized groups as well as nature itself. जिसने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है दबे कुचले हुए ग्रुप्स को साथ ही साथ प्रकृति को, राइट? तो इसके सब ब्रांचेस भी हैं. वेव्स एंड एम्स क्या थे इसके? फेमिनिज्म इन ऑल इट्स वेव्स हैज एक्सपीरियंस्ड इवोल्यूशंस. इसका उद्भव तो होता ही रहा है और रिसर्जेंस होता रहा है सिंस इट फॉर्मली बिगैन इन द मिड 1800. यह मध्य 1800 ईस्वी में एक तरह से सामने आया. एज क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस एंड सब्सिक्वेंट एक्टिविज्म रोज इन रिसेंट डिकेड्स. और जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आता गया, लोग एक्टिव होते गए और रिसेंट डिकेड्स में देखा गया कि जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया द वेज इन विच द मूवमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द मूवमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर रिलेटेड. कि किस प्रकार मूवमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक दूसरे से संबंधित है. अकॉर्डिंग टू फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रेंकोइस डी यूबॉन, इनके अनुसार द इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन आर इंटरनली लिंक्ड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. यह बताती हैं कि किस प्रकार जो स्त्रियों का ऑपरेशन होता है यानी उनको दबाया जाता है, उनका शोषण होता है, एक दूसरे से कैसे संबंधित है जो कि नेचुरल वर्ल्ड से संबंधित हैं और किस प्रकार इनका भी डिग्रेडेशन होता है, नेचुरल वर्ल्ड का भी डिग्रेडेशन होता है. एज बोथ अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्कल डोमिनेंस. क्योंकि ये दोनों प्रभावित जो होते हैं वो पैट्रियार्कल यानी पैतृक डोमिनेंस से यानी पैतृक आधिपत्य है, राइट? इसके चार प्रिंसिपल्स माने गए हैं इको फेमिनिज्म के. बोथ द ऑपरेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड द ऑपरेशन ऑफ नेचर आर कनेक्टेड बाय कॉज. यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं और प्रकृति का जो ऑपरेशन है, शोषण दोहन है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. वी मस्ट रिप्लेस अवर कल्चर ऑफ डोमिनेशन विथ एन एथिक ऑफ केयर. हमें इस डोमिनेशन को चेंज करना है, जो मैस्कुलिन डोमिनेशन है उसको बदलने की जरूरत है. ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन आर अनएक्सेप्टेबल एंड इंटरकनेक्टेड. किसी भी प्रकार का अगर शोषण है, दबाव है, तो उसे नहीं माना जाना चाहिए और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं. अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शंस इज नेसेसरी फॉर इक्विटेबल चेंज. और इस कनेक्शन को समझना और इक्विटेबल चेंज के लिए
अपने अनुसार के परिवर्तनों के लिए इन कनेक्शन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चार प्रिंसिपल इको फेमिनिज्म के हैं। कुछ इको फेमिनिस्ट हैं वुमेन सच एज वंदना शिवा, फाउंडर ऑफ द रिसर्च फाउंडेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, एंड कैरोलिन मर्चेंट, ऑथर ऑफ डेथ ऑफ नेचर, वुमेन इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रिवोल्यूशन आर जस्ट टू प्रोमिनेंट नेम्स। ये प्रोमिनेंट नेम्स माने जाते हैं विद इन दिस मूवमेंट सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से इसकी शुरुआत हुई है। सम अदर नेम्स ऑफ नोट इंक्लूड वॉल ब्लूमवुड, ग्रेटा गार्ड एंड सुजैन ग्रिफिन, जस्ट द नेम ऑफ यू। और इसके साथ साथ कुछ और भी नाम सामने आते हैं, इन लोगों का नाम आता है लाइक वॉल ब्लूमवुड, ग्रेटा गार्ड एंड सुजैन ग्रिफिन। सो इस प्रकार से आप इको फेमिनिज्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इको फेमिनिज्म वेल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट अगेन, हैव अ गुड डे।